बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो ऐसे कई स्टार्स हैं जो दबंग बने घूमते हैं, जो हीरो बने घूमते हैं, जिनके लिए कहते हैं कि ये फियरलेस है। लेकिन इन सभी फियरलेस से सबसे ज्यादा दबंग अगर इस इंडस्ट्री में कोई है तो वो कोई हीरो नहीं बल्कि एक हीरोइन है, जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी हीरोइन साबित हुई। और जहां पर पूरी इंडस्ट्री पलट गई, इंक्लूडिंग शाहरुख सलमान, वहां पर ये हीरोइन निडरता से खड़ी रही और इसी निडरता के लिए इस हीरोइन को एक अवार्ड भी मिला है। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि प्रीति जिंटा है। प्रीति जिंटा की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो बहुत कम लोगों को पता है, और ये कहानी बताती है कि प्रीति जिंटा निडर है, उन्हें किसी के सहारे की, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, वो किसी से नहीं डरती है और डंके की चोट पर बोलती है। प्रीति जिंटा अर्ली 2000s में इंडस्ट्री में एक्टिव थी और इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस थी। ये वो टाइम था जब इंडस्ट्री अंडरवर्ल्ड से जूझ रही थी और एक्टर्स को धमकी भरे कॉल्स आना, अंडरवर्ल्ड से मनी डिमांड करना, ये आम बात हो गई थी। इसी दौरान प्रीति जिंटा ने एक फिल्म में काम किया था। ये फिल्म थी चोरी चोरी चुपके चुपके। इस फिल्म में रानी मुखर्जी भी थी, सलमान खान भी इस फिल्म का हिस्सा थे। कहा जाता है कि फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे भरत शाह, वो अंडरवर्ल्ड से पैसा लेकर इस फिल्म में लगा रहे थे। और ये भी खबर आई थी कि इस फिल्म में जो एक्टर्स काम कर रहे थे वो धमकी से काम कर रहे थे, उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी दी गई थी, इसीलिए वो इस फिल्म का हिस्सा बने थे। इसी दौरान मुंबई पुलिस अपने पूरे फॉर्म पर थी और मुंबई को पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड फ्री बना रही थी। और तब चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म से जुड़े सभी एक्टर्स से भी पूछताछ हुई थी। प्रीति जिंटा ने भी तब पुलिस को एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अंडरवर्ल्ड की तरफ से कॉल आया था धमकी भरा, जिसमें उनसे 50 लाख रुपए डिमांड किए गए थे। कहा था कि भाई ने कहा है 50 लाख रुपए दो। प्रीति जिंटा ने तब अपने बयान में ये भी कहा था कि मैं ऐसे तो अंडरवर्ल्ड से जो भी कॉल्स आते थे उन्हें इग्नोर करती थी या उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे आता था कि कैसे हैंडल करना है, क्योंकि इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर्स थे उन्हें उस टाइम ऐसे कॉल्स आ रहे थे तो सभी को पता था कैसे हैंडल करना है। लेकिन जहां पर बात गाली की आती है तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करती। एक दिन मुझे इसी तरह से अननोन नंबर से कॉल आया और मैंने वो कॉल उठा लिया, और उसके बाद अगले ने मुझ पर गालियां देनी शुरू कर दी, जिसके बाद मैं रुकी नहीं और मैंने उसे पलट कर जवाब दे दिया। इसी दौरान प्रोड्यूसर भरत शाह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था अंडरवर्ल्ड से लिंक के मामले में। और तब भरत शाह की फिल्म में जितने भी लोग काम कर रहे थे उन सभी से पुलिस ने स्टेटमेंट लिए थे। कहते हैं कि कुछ 13 बॉलीवुड से जुड़ी पर्सनैलिटीज थी जिनके बयान लिए जाने थे, जिनको ये एक्सटॉर्शन कॉल्स आए थे और जिन्होंने पहले शिकायत की थी। इनमें सलमान खान का नाम शामिल है, शाहरुख खान का नाम शामिल है, संजय लीला भंसाली, राकेश रोशन, महेश मांजरेकर, अनीस बज्मी, रतन जैन, कई सारे नाम शामिल थे। इन सभी के स्टेटमेंट लिए जाने थे, कोर्ट में उस दिन पेशी थी। यकीन नहीं होगा आपको, ये सभी लोग पलट गए और पेशी के लिए कोई भी नहीं आया। बॉलीवुड इंडस्ट्री से अकेली प्रीति जिंटा थी जो कोर्ट में पहुंची और वहां पर उन्होंने कटघरे में खड़े होकर अपना पूरा स्टेटमेंट दिया। जज प्रीति जिंटा की इस दबंगाई को देखकर हैरान थे। यही कारण है कि जज ने कहा कि प्रीति जिंटा जो कुछ भी कह रही है उसे वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाए। फिर क्या था, एक कैमरा लगाया गया। प्रीति जिंटा ने अपना स्टेटमेंट देना शुरू किया। प्रीति जिंटा ने कहा कि मुझे अंडरवर्ल्ड से कॉल आने लगे थे, तब मैंने मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर से इस बारे में शिकायत की। मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर ने अपने फोन नंबर मुझे दिए और कहा कि घबराना मत, जब भी तुम्हें इस तरह के कोई कॉल्स आए तो मुझे बता देना, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। इतना ही नहीं, प्रोड्यूसर ने तब प्रीति जिंटा से ये भी कहा था कि अगर +92 नंबर से कोई कॉल आए तो उसे पिक मत करना। प्रीति जिंटा ने यह भी बताया कि चोरी चोरी चुपके चुपके में वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं कर रही है, उनको इस काम के लिए पैसा मिल रहा है। 25 लाख रुपए उनकी फीस तय हुई थी, जो कि नजीम रिजवी जो भरत शाह के पार्टनर थे वो प्रीति जिंटा को इंस्टॉलमेंट में देने वाले थे। इसी दौरान प्रीति जिंटा ने यह भी बताया कि उन्हें छोटा शकील के आदमी रजाक का कॉल आया था और उसने कहा कि मैं भाई का आदमी बोल रहा हूँ, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। और इसके बाद इसी आदमी ने, कहा जाता है कि प्रीति जिंटा के साथ बदसलूकी की और बदतमीजी में बात की, जिसके बाद प्रीति जिंटा ने कोर्ट में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ ये बयानबाजी की थी, जिस बयानबाजी से सलमान और शाहरुख जैसे एक्टर्स बच रहे थे वो प्रीति जिंटा ने कही। प्रीति जिंटा ने अपनी इस धमकी भरी कॉल के बारे में
तब संजय दत्त को भी कहा था। संजय दत्त क्योंकि अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात रखते थे और प्रीति जिंटा के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए प्रीति ने इस बारे में सबसे बात की थी। हालांकि जब कोर्ट में बयान दिया और सभी तरफ प्रीति का ये बयान वायरल हुआ न्यूज चैनल्स पर, और बाद में प्रीति को जब पता चला कि उनके सारे जो दूसरे दोस्त हैं वो बयानबाजी करने नहीं आए, तब प्रीति थोड़ी डर गई थी, सहम गई थी। सालों तक प्रीति जिंटा ने इस पूरे किस्से के बारे में बात नहीं की, लेकिन 2018 में प्रीति जिंटा ने इस पूरे किस्से के बारे में बात करते हुए कहा कि अगर मुझे पता होता कि सलमान शाहरुख कोई भी गवाही नहीं दे रहे हैं तो शायद मैं भी नहीं जाती। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने कोर्ट में जाकर कह दिया और मुझे नहीं पता था कि अगले 10 मिनट में वो सब पूरे इंडिया में न्यूज चैनल्स पर फ्लैश हो जाएगा। हालांकि प्रीति जिंटा का कहना है कि जो लोग पलटे वो शायद इसलिए पलटे क्योंकि एक घर परिवार वो लेकर बैठे हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, लेकिन मेरा तो कोई था नहीं, इसीलिए मुझे इन सब चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ा और मैंने गवाही दे दी। कहते हैं कि 2007-2008 में तब प्रीति जिंटा को ब्रेवरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और आगे चलकर लंबे समय तक प्रीति जिंटा गॉडफ्रे फिलिप्स ब्रेवरी अवार्ड की ब्रांड एम्बेसडर भी रही। प्रीति जिंटा ने कोर्ट में जो कुछ कहा उसके लिए काफी हिम्मत चाहिए, जो हिम्मत हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स या सो कॉल्ड ब्रेव एक्शन हीरोज नहीं जुटा पाए, वो हिम्मत प्रीति जिंटा ने जुटा ली अनजाने में ही सही। लेकिन इस पूरे मामले के कारण प्रीति जिंटा को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। जब प्रीति जिंटा ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कोर्ट में ये बयानबाजी की थी, उसके बाद प्रीति जिंटा का एक MMS लीक हुआ था जिसमें एक लड़की को न्यूड दिखाया गया था। सोशल मीडिया पर यह MMS काफी वायरल हुआ था। हालांकि प्रीति जिंटा ने कहा था कि इस MMS को मॉर्फ करके बनाया गया है। इस वीडियो में जो लड़की है उसकी हाइट और हेल्थ दोनों ही प्रीति से बिल्कुल डिफरेंट है। प्रीति जिंटा इस MMS में है ही नहीं और प्रीति इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देती है। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड वालों ने ही प्रीति जिंटा से इस तरह की हरकत करके अपना बदला निकाला था। हालांकि कुछ समय बाद तो पूरा अंडरवर्ल्ड ही इंडस्ट्री से गायब हो गया और इंडस्ट्री अंडरवर्ल्ड फ्री हो गई। फिर कॉरपोरेट कल्चर इंडस्ट्री में लाना पड़ा और फिर स्टार्स बनाए जाने लगे, अच्छे एक्टर्स नहीं बल्कि स्टार किड को स्टार बनाकर प्रेजेंट किया जाने लगा।